हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं कर रही हूँ अभी रूम में सारा अरेंज, क्योंकि और अभी शायद मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगा अगर मेरे पास टाइम हो, पर अभी टाइम मेरे पास है तो मैं कर देती हूँ चेंज, क्योंकि बहुत दिन हो गए और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करने में प्रॉपर टाइम चाहिए, तो ही मैं बेडशीट चेंज कर सकती हूँ। लैपटॉप वगैरह सब हटा देती हूँ, फिर बेडशीट चेंज करके सारा सही रख देती हूँ। निकाल दिए पर लगाते तो रह ही गई, क्योंकि मैं चली गई बाहर कपड़े लेने के लिए, प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए और खाना भी साथ ही साथ बनाने के लिए। तो ये दाल मैंने बॉईल करने रख दी है, प्लांट्स को पानी पिलाना कल भूल गई थी, तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा सूख गए थे, क्योंकि गर्मी ही इतनी है यूँ करके। और बाहर जो छोटी छोटी बॉटल्स में मनी प्लांट उगा रखी है, उनमें से भी पानी बहुत गंदा हो गया था, वो सब चेंज किया बन चुका है। और मैंने लगा दिया है डाइनिंग टेबल पर, तो ये सारे प्लेट्स ले आई हूँ, ये चावल, ये दाल, ये रोटी और ये पराठे। ये कल थोड़ा सा जो मसाला था वो बच गया था, चूँकि वो ठंडे आलू के पराठे का मसाले वाला आलू का आलू पराठा, सॉरी, चूँकि को दूसरे दिन जो आलू पराठे बनाती हूँ वो अच्छे लगते हैं पहले दिन वाले मसाले के, तो बना दिए हैं। उनको फ़ोन कर देती हूँ, आ जाएंगे, फिर मैं जल्दी से फ्री होकर जाऊँ शॉप पर। क्या हाय, मैं निकल रही हूँ यार, मैं निकल गई थी, फिर खाना खाने आया था, वापस से अंदर आ गई। पूरा आलू पराठे भी हैं, दाल भी है, तुम्हारे लिए बना है, तुमको भाते है तब। अजमल पे आने वाला है, बहुत ही अच्छा एक एक्साइटिंग ऑफर, तो आप पूरे व्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा लास्ट तक कि अजमल के ऊपर क्या ऑफ आ रहा है, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया है कि अजमल पे क्या ऑफ आने वाला है, तो पूरी वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा, पीछे जाके डायरेक्ट करोगे तो भी नहीं पता चलेगा। मैंने आज मर्सिडीज़ का परफ्यूम लगाया था, जो कि कुछ दिन पहले हमने व्लॉग में उसकी अनबॉक्सिंग की थी। अब वो परफ्यूम व्लॉग में करी थी, डाली थी व्लॉग में नहीं डाला था, इतने छोटे छोटे मर्सिडीज़ के परफ्यूम मंगवाए थे तीन, वो भी एक्वा तीनों फ्रेगरेंस। मैंने कहा समर्स के हिसाब से अच्छी फ्रेगरेंस आज लगाती हूँ, आज मेरे को मिल गया, मैं सफाई कर रही थी, लगाई, मैंने कहा आज मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया चिकू को, तो बोले कौन सा लगाया, कोई खुशबू नहीं आ रही है, क्योंकि उनको बोला ही नहीं था कि एक्वा वाला लगाया है। फिर मैंने बोला वो लगाया, अरे खुशबू आ रही। तो अभी मैंने जस्ट ये रेजिना निकल नहीं आ रही है खुशबू, तो अभी रेजिना लगाया, रेजिना की खुशबू एक नंबर है। चलो ये चीज़ पता चल गई कि अजमल जितना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह ही लगाया, अभी तक खुशबू नहीं आ रही, और अजमल की तो यानी रहती है, सुबह तक रहती है दूसरे दिन, और मेरे को क्या पता कपड़े धुल जाते हैं इसके बाद भी आती है, एक बार सही रख देना तो भाई, नहीं मेरे बताने के चक्कर में नुकसान, मेरे खाते में फट से निकल के 1600 रुपये जाएंगे। पॉटली जैसी दिख रही है वैसे। अभी अभी मुझे किसी ने मैसेज किया कि मेरा एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके, और मुझे बोला कि तुम फेमस हो रही हो इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा मैं, और देखा तो ये बाइसा कम्युनिटी ने मेरा फ़ोटो डाला है और मुझे टैग ही नहीं किया है। ऐसा क्यों? तो मैं अभी इनको मैसेज करती हूँ, मुझे कम से कम टैग तो करो। मैं अभी कर रही हूँ मेरे अपर लिप्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि मूंछें आ गई है, तो मूंछें बनाने की ज़रूरी है, तो ब्राज़ीलियन वैक्स मैं मेरी गर्म कर देती हूँ और फिर मूंछें बना लेती हूँ। फेस वैक्स मैं कभी कभी ले लेती हूँ, पर मुझे ओनली फॉर अभी अपर लिप्स करना है। चलिए अब हो चुका है मेरे फेस पर, मैंने अपर लिप्स बना दी हैं, और थोड़ी बहुत आईब्रोज भी आ गई थी तो वो भी मैंने वैक्स से ही बना दी है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा और प्यारा सा और छोटा सा एक स्किन केयर, जो कि है क्लीन अप। क्लीन अप हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भले वो समर्स हो, विंटर्स हो, कोई भी वेदर हो, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हमारे फेस की साफ़ सफाई और क्लीन अप करते रहेंगे तो हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये जो एक्नेज और ये इसका सबका जो प्रॉब्लम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हमारा जो स्किन केयर है वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था। और मैंने मेरी वॉच निकाल दी, क्योंकि मेरी वॉच पहले एक डैमेज हो चुकी है, सो इसीलिए इस वॉच का बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। चलो चेंज द टॉपिक, हो गया ये तो, वॉच तो पहन ली मैंने। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं मेरे क्लीनअप में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। आज मैं मेरे क्लीनअप में यूज़ करने वाली हूँ 3 प्रोडक्ट्स, जो कि है क्लिनजिंग, स्क्रबिंग एंड मास्क। क्लीनअप में मेनली
थ्री चीजें होती है, इसी में मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ। विटामिन बी का मैं पूरा स्किन केयर यूज कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का मैं यूज करूंगी क्लिंजिंग मिल्क, देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सेकेंडली मैं स्क्रब यूज करूंगी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एंटी टैन, बिकॉज अभी है समर्स और टैनिंग तो हम सबको हो रहा है, थोड़ा 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 बहुत हो ही रहा है, तो क्यों ना स्क्रब एंटी टैन यूज़ किया जाए, ताकि हमारे फेस का जो टैनिंग है वो भी अच्छे से रिमूव होगा। और आप अभी मेरा रिसेंटली फेस देख सकते हो किस टाइप का है, और ये स्किन जो मैं ये क्लीन अप करने वाली हूँ इसके बाद मेरा फेस कैसा दिखेगा। और मैं शीट मास्क में यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट शीट मास्क, क्योंकि मास्क हमारे फेस को रिलैक्स करता है। तो मास्क हम क्ले वाला लगाए या फिर शीट मास्क लगाए, मास्क ही लगाना है तो मास्क क्यों ना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, ताकि जो आपकी स्किन है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो और आपकी स्किन को वो गुडनेस मिल सके। तो मैं विटामिन बी का ही शीट मास्क यूज़ करूँगी, बिकॉज अभी मुझे जो एक्नेस की प्रॉब्लम है और ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा क्लीनअप। तो सबसे पहले मैं मेरे फेस को अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। उसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी में पानी, यानी बाउल में पानी, और साथ ही एक स्पॉन्ज। एक स्पॉन्ज ले लिया है ताकि मैं मेरे फेस को एक बार तो क्लीन कर लूँ, जो भी मैंने स्किन केयर कर रखा है वो हट जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो कृपया करके पूरी वीडियो देखें, और इस चीज़ से आपका क्लीनअप घर बैठे ही कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है उसके ऊपर कॉल करके आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको बताना है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी आपके एड्रेस पर। तो मैंने अभी कर दिया है मेरा फेस क्लीन, आपको मैं एक बार मेरे पास में से मेरा फेस दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप का है अभी मेरा फेस। और अभी हम क्लिंजिंग मिल्क से मसाज करना स्टार्ट करेंगे। मैं मसाज बाद में कर लेती हूँ फेस पर, एक बार मैं मेरे बालों को तो टाई कर लूँ। तो अभी मैंने मेरा दुपट्टा रख दिया है साइड में, और पूरे बालों को एक बार टाई कर देंगे, क्योंकि बाल बड़े डिस्टर्ब करते हैं। मैंने मेरे बालों को कर दिया है टाई, एंड आप चाहो तो हेयर बैंड भी पहन सकते हो या फिर इस टाइप का भी टाई करने के लिए पहन सकती हूँ, ताकि आपके बाल हैं वो फिक्स रहे और निकले नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में मैं मेरे हैंड में लिमिटेड अमाउंट में ले रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क, फिर इस पर अच्छे से रोटी करके लगाना है हमें, और थोड़ा थोड़ा पानी लेके मसाज कर लेगा। डोंट स्किप योर ईयर, क्योंकि ईयर्स भी टैंड होते हैं, और ईयर भी हमारे फेस का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने मेरे फेस पे अच्छे से लगा दिया है और अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया है। अब मैं थोड़ी फेस पे स्टीम ले लेती हूँ, मेरे को अभी दिमाग में है। आप स्टीम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे क्या थोड़े ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, तो ब्लैक हेड्स रिमूव कर दूँगी उससे। ये थोड़ा वार्म होगा फिर आएगी एकदम स्टीम, तो मैं ब्लैक हेड्स को एक बार ऐसे ऐसे करके रिमूव कर देती हूँ स्टीम जैसे चालू होती है। फेस को अच्छे से स्टीम दे के ब्लैक हेड्स वगैरह सब रिमूव कर दिए हैं। अब आ जाती है स्क्रब की बारी, जो कि है डी टैन का। बहुत ही कम ही अमाउंट में स्क्रब लेना है। स्क्रब को ज़्यादा देर तक स्क्रब नहीं करना, ओनली फॉर 3 to 2 minutes। जहाँ पे ब्लैक हेड्स एरिया ज़्यादा है उधर अच्छे से स्क्रब करें, क्योंकि उधर डेड स्किन भी बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने 3 minutes अच्छे से फेस पे मसाज कर दिया है, और अब इसको मैं अच्छे से रिमूव कर दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद लगाना है मुझे शीट मास्क, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन बी का, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली स्किन केयर भी मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन बी का, तो मुझे बहुत ही अच्छे सूट हो रहा है, और इसीलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। बस शीट मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
शीट मास्क कब जाएगा ये इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है तो कुछ इस टाइप से शीट मास्क लगाना है। मेरा मुंह शायद थोड़ा छोटा पड़ रहा है शीट मास्क के लिए, पर इसको इस टाइप से कवर कर लेना है, फेस का कोई भी पार्ट ना रहे। एक बार मिरर में देख के अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब शायद सही से लग गया है। तो शीट मास्क मैंने लगा दिया, ज़्यादा वोल वोल नहीं करूँगी, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सीरम है उसको फेस पर इस शीट मास्क के ऊपर लगा दूँगी। फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स रहने देना है। मैंने लगाया है इसको 5:11 पे एग्जैक्ट लगाया है। अब इसको 20 मिनट्स रहने देती हूँ। फिक्स मुझे हो गए हैं 20 मिनट, और ये क्या पता क्यों निकल रहा है रे के। और अभी हो रही है 5:31, यानी 31 होने ही वाली है, 30 तो हो गई है। तो अब मैं इस मास्क को कर देती हूँ रिमूव, और अब मेरे फेस पर कुछ एक्स्ट्रा हालांकि रहा भी नहीं है, और मुझे मेरा फेस रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको पास में इसकी दिखाती हूँ, एकदम क्लीन हो गई है स्किन। वाकई यार थोड़ी चमको हो गई। अब मैं मेरे नाक का पहन रही थी, बहुत अटपटा मुँह दिख रहा है। अब मुझे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, एक बिंदी की कमी है, तो बिंदी पीछे स्टूडियो में जा रही हूँ ले लेती हूँ। और कल जो मेरा काम रह गया था ब्रशेस धोने का ड्यू, तो वो आज कर देती हूँ। ये सारे ब्रशेस तो इनको करना है मुझे वॉश। अभी आप स्टूडियो आज देख लो कल कैसे सारा सफाई करके जमा है। टेबल निकल गया, इतना खाली लग रहा है। सूट पहन पर इतनी बड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। फिर तो मैं इतनी देर अब ब्रश धो देती हूँ। ब्रश धोने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, साबुन ख़त्म हो गया तो साबुन लाती हूँ एक बार। तो ब्रश वॉश कर दिए हैं मैंने, और मुझे अभी बहुत प्यास लग गई है। अब जाती हूँ बाहर और पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी बाहर ही पड़ा हुआ है। मैं काम काम में इतनी बिजी हो गई थी कि पानी भी पीने का ध्यान नहीं रहा। और ये सारे ब्रश यहाँ पर सुखा के रख दिए। अब चलती हूँ घर पे, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया, 7 बजने आ गई है लगभग। अभी 6:43 हो रही है, घर जाऊँगी तब तक तो 7 बज जाएगी, 7:30 भी हो जाएगी। चिकू आए हुए हो, चली जाती हूँ साथ में। मैं आ चुकी हूँ अब घर, और मस्त एकदम संध्या अलग ही दिखती है। ये हमारा नवली खेल रहा है। नव कल किसको मारी हूँ बता दो। अब कल तो नहीं, आज कुटा है। किसका कुटा? घर पे आने के बाद मैं डिनर नहीं बना रही हूँ आज, क्योंकि चिकू ने बोला था कि हम मैगी बनाएंगे, और मम्मी पापा फिर उदयपुर गए थे तो वापस आ रहे हैं। तो खाना फिर चिकू ने बोला चल मैगी भी छोड़ जनपद ही चलेंगे, आज होटल का खाने की इच्छा है। तो आज जनपद चलेंगे, और को अभी बहुत भूख लग रही है, पर कुछ खाऊँ। चिकू को बोला जूस लेके आएंगे, तो अगर लेके आते पीती। मैंने चिकू को बोला था कि जूस लेके आना, बट जूस नहीं मिला, लाए नहीं यूँ नहीं कह सकती मैं, नहीं मिला। तो मेरे लिए लेके आए हैं ये ब्रिटानिया के केक, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी थोड़ी सी छोटी वाली जो भूख है उसको कर देती हूँ शांत खा के। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने घर पे लंच नहीं किया, हम गए थे होटल में, चिकू और दोनों जने खाना खा के आ गए थे। मम्मी पापा साथ में नहीं आए थे, क्योंकि मम्मी पापा ने नाश्ता कर लिया था। मम्मी पापा को ऐसा था घर पर हल्का फुल्का कुछ बनाया होगा खा लेंगे, बट हम भी होटल ही चले गए थे। फिर होटल से आए, और मैं आपको आज बताना भूल गई, जो मैंने आपको दोपहर में बताया था कि मेरे बाईसा कम्युनिटी ने मेरा फ़ोटो अपलोड किया था, वो जो कि मुझे टैग किया ही नहीं था। तो मैंने उनको पर्सनली डीएम किया, और मैंने बोला कम से कम मुझे टैग तो करो ही, तो उन्होंने तुरंत ही टैग कर लिया। तो चलो, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे किसी ने फ़ोटो भी डाला, मुझे भी वाया वाया कहाँ से पता चला, पर पता चल गया। और मैंने उनको मैसेज भी डाल दिया, उन्होंने कर दिया मुझे टैग। और मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ तो ये बताने वाली हूँ कि मैंने बताया था आपको कि अजमल में कितना ऑफ़ आने वाला है। अजमल में स्पेशल ऑफ़र आया है अभी, और वेडिंग सीज़न के अकॉर्डिंग चिकू ने ऑफ़र बताया है मुझे कि ओनली फॉर 2 डेज़ के लिए अजमल पे 30% ऑफ़ है। तो आपको अजमल का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो 30% आपको ऑफ़ मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप
आप इस ऑफ़र की अपॉर्चुनिटी यूज़ करें और जल्दी से जल्दी परचेसिंग करें, क्योंकि अजमल में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। आप आके शॉप पे मस्ट ट्राई करें और आपको सच में बहुत पसंद आने वाली है। और यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में और कुछ अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। ओके बाय। और कर रहा है ना मेरा फेस ग्लो आज मैंने जिस ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का यूज़ किया है उसके लिए।